स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई गवर्नमेंट जॉब जो कि है एमपी पटवारी रिक्रूटमेंट 2018। जी हाँ, तो एमपी पटवारी की फिर से वैकेंसीज निकाली गई हैं। नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखी जाए तो 143 पोस्ट यहाँ पर निकाली हैं, यानी कि जो भू राजस्व विभाग है उसने 143 पोस्टों के लिए पटवारी की वैकेंसीज निकाली है। स्टार्टिंग देख लें तो जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी 16/7/2018, यानी कि 16 तारीख से स्टार्टिंग डेट है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई रखी है 28th ऑफ जुलाई 2018। 28 जुलाई तक आपको आवेदन करना है। स्टार्टिंग डेट है 16 जुलाई 2018। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है 10+2 यानी कि 12th, इसके साथ ग्रेजुएशन भी चलेगा। और CPCT भी कंपलसरी कहा है अगर आपके पास है, और यदि आपके पास नहीं है तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन होने के 5 साल के अंदर आपको CPCT क्लियर करना होगा, अदरवाइज आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। एज लिमिट है 18 to 40 ईयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी सिर्फ मेरिट बेस पर रखी गई है, यानी यहाँ पर नो एग्ज़ाम ओनली मेरिट लिस्ट। जो आपके परसेंटेज होंगे आपके ग्रेजुएशन में, आपके 12th में, उस बेस पर इसमें सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन जो मोड है वो आपका ऑनलाइन है, यानी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है आपकी mponline.gov.in। ओके, चलिए मैं आपको और इसका नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ क्या वैकेंसीज है और किस तरह से आपको आवेदन करना है। चलिए तो ये देखिए जो वैकेंसीज अभी निकाली है, अगर आप देखें तो वैकेंसी निकाली है आपकी। चलिए तो यहाँ पर वैकेंसीज देखें तो जो वैकेंसी है वो निकली है विशेष आदिम जाति जनजाति सहरिया बेगा भारिया पटवारी भर्ती परीक्षा के संबंध में। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि जो ये जो वैकेंसी निकली है वो ओनली निकली है सहरिया बेगा और भारिया जो जनजाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए इन्होंने निकाली है, वो भी आपकी 143 भर्ती। ठीक है, 143 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ठीक है, वो यहाँ पर पद देख लीजिए, पद जो हैं 143 हैं, अलग अलग आप देख सकते हैं, शिवपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, छिंदवाड़ा मंडला, डिंडोरी, सहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर आदिवासी लोग जाता हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो लोक सेवा जो मध्य प्रदेश लोक सेवा है उसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के अंतर्गत ये अभ्यर्थी से वही आवेदन कर सकते हैं जो इसके अंतर्गत आते हों। मध्य प्रदेश का मूल निवासी यहाँ पर आपको होना चाहिए। ठीक है, और विशेष भर्ती हेतु शासन द्वारा चयन परीक्षा में छूट प्रदान की गई है, मतलब यहाँ पर आपकी परीक्षा नहीं होनी है, केवल मेरिट लिस्ट होना है। शैक्षणिक योग्यता तो 10+2 आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और चयन हेतु हायर सेकेंडरी में प्राप्तांक के आधार पर चयन हेतु विचार में उस परिस्थिति में लिया जाएगा जब स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध पदों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये शर्त है, आपको ध्यान से इस चीज़ को देखना है कि सबसे पहले तो प्रेफरेंस दिया जाएगा ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन नहीं मिलते हैं तब 10+2 वालों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन पटवारी पद पर होता है तो चयन उपरांत 5 वर्ष के भीतर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। अगर 12वीं वाले सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको 5 वर्ष के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। सेकेंड रखा गया है CPCT उत्तीर्ण होना चाहिए, और यदि नहीं है तो 5 वर्ष के भीतर आपको उत्तीर्ण कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है चयन वैधता में सबसे पहले स्नातक प्राप्तांक प्रति प्रतिशत रखा जाएगा, उसके बाद आपका 10+2 जो है प्रतिशत वो रखा जाएगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन फर्स्ट प्रेफरेंस, देन आपका 12th। ठीक है, इस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और सारा कुछ आपको जो भी है आपका ऑनलाइन आवेदन होगा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही यहां पर भरे जाएंगे, ऑफलाइन माध्यम से नहीं भरे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और 16 जुलाई से स्टार्ट है और 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, और जो आपका सिलेक्शन है वो मेरिट लिस्ट होगा, और वो भी जिलों को प्रोषित किया जाएगा। ठीक है, जिला बार यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट अबाउट एमपी पटवारी, जो कि सिर्फ उनके लिए निकली है जो सहरिया बेगा और भारिया कास्ट को बिलोंग करते हैं, ये आप याद रखिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वैकेंसी। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।